अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करने लगे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स के अंदर। अच्छा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप होती है कि जिसके अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर टू जिसके अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होती है यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बल्कि हमेशा उनके दरमियान कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब थोड़ी सी बात है यहाँ पे सिग्निफिकेंस की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अहमियत क्या है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि वो प्रिमिटिव मेथड है, ठीक है, वो अर्ली मेथड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में इवॉल्व हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चल रहा था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत थी। जितने भी बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर जो प्रीडोमिनेंट टाइप होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, और इवन वो एनिमल्स के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते भी हैं वो भी एट टाइम्स स्विच करते हैं, एसेक्सुअल से आते हैं सेक्सुअल पे। तो क्वेश्चन ये है क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अवॉइड करती है जेनेटिक मोनोटोनी को। जेनेटिक मोनोटोनी किसे कहते हैं, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स का पैदा होना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म डेवलप होते जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक मोनोटोनी। जेनेटिकली एक ही तरह के इंडिविजुअल्स का पैदा होना ये कहलाता है जेनेटिक मोनोटोनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा यह है कि इससे ये जेनेटिक मोनोटोनी अवॉइड होती है। उसका रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वेरिएशन आती है, और उस वेरिएशन से नए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा होते हैं जिनके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। हर किसी के पास कोई यूनिक सेट होता है, सारे कैरेक्टर उसके पेरेंट जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से डिफर करते हैं, वेरी करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के ठीक है, मान लिया कि पेरेंट्स से डिफर करेंगे कैरेक्टर्स, तो इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के चांसेस हैं सर्वाइवल के वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि एक स्पीशी है, कोई भी स्पीशी, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, और उसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं, सारे के सारे एक ही जैसे हैं, हज़ार लाख जितने भी मेंबर्स हैं उसके वो सब के सब एक जैसे हैं, ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। अब सपोज कर लें कि कोई बीमारी आती है, अब वो बीमारी जो है वो उस स्पीशी को अगर टारगेट करेगी तो एक मेंबर नहीं मरेगा बल्कि सारे के सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अगर वेरिएशंस होती हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर वो वायरस या वो बैक्टीरिया अटैक करके उन्हें बीमार कर देता है, लेकिन बाकियों को नहीं कर पाता। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान विद इन अ स्पीशी, तो ये बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं, उनके चांसेस बढ़ाती हैं सर्वाइवल के। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव होता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं कि जिनके पास दोनों जीन्स ख़राब वाली होती हैं, यानी सिकल सेल करवाने वाली, और एक मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास एक जीन नॉर्मल वाली होती है और एक जीन ख़राब वाली होती है। अब पता है क्या है, जो नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोग जिनके पास दोनों जीन सही हैं जैसे कि आप और मैं हैं, उनको मलेरिया हो जाता है। जिनकी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया है यानी जिनके पास दोनों जीन्स ख़राब वाली हैं, उनको भी मलेरिया हो जाता है। लेकिन ये जो तीसरे वाले लोग हैं कि जिनके पास एक जीन तो नॉर्मल है लेकिन एक जीन ख़राब वाली है, ना तो इनमें सिकल सेल वाली डिजीज़ होती है और ये मलेरिया से रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो ये जो वेरिएशन, तो सपोज़ कर लें उस सोसाइटी के ऊपर जिस एरिया के अंदर वो लोग हैं, ये अफ्रीकन लोगों के अंदर बहुत कॉमन है, तो अगर वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है तो काफ़ी लोग मर जाएंगे, वो लोग बच जाएंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया वाले जिनके पास एक जीन नॉर्मल और एक जीन ख़राब वाली है। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं इससे ये होता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसी भी स्पीशी के इंक्रीज हो जाते हैं, और ये वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में। अच्छा भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कोई नेसेसिटीज़ नहीं थी, कोई स्टेप्स नहीं थे, बस सिंपल जो ऑर्गेनिज्म था वो डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो बेसिकली क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब चूंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, तो उन गैमेट्स का बनना ये प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट्स बन जाते हैं तो उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है मेटिंग। मेटिंग के अंदर ये होता है कि जो दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल, वो अपने गैमेट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जगह पर लेकर आते हैं ताकि वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो सकें, ये प्रोसेस कहलाता है मेटिंग। एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो दो गैमेट्स हैं उनका
फ्यूज़ होना जिसके नतीजे में जायगोट बनता है। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इसमें से फिलहाल हम गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेटिंग और फर्टिलाइजेशन की। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल जिन्हें आप गैमेट्स कहते हैं, उनके बनने का ही अमल है। अच्छा, सारे के सारे एनिमल स्पीशी के अंदर, आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी फाइलम्स हैं, उन तमाम फाइलम्स के अंदर ये जो गैमेट्स बनते हैं, ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गोनेड्स। इंसानों की अगर हम बात करें तो मेल के पास जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल के पास जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरीज। सारे के सारे जो एनिमल स्पीशी हैं, सारे के सारे एनिमल के ग्रुप्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो एक ख़ास तरह के स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिन्हें गोनेड्स कहते हैं, सिवाय किसके? सिवाय स्पंजेस के। स्पंजेस पहला फाइलम है, और अगर आपको याद हो तो स्पंजेस के पास टिश्यूज़ नहीं होते, स्पंजेस के पास सिर्फ अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, इनके सेल्स मिलकर टिश्यूज़ नहीं बनाते। दैट इज़ वाई जब टिश्यूज़ नहीं है तो ऑर्गन्स भी नहीं है। स्पंजेस के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो एक तरह के सेल्स में बनते हैं, अगर आपको याद हो, ये इररेगुलर शेप के सेल्स है जिन्हें नाम दिया जाता था अमीबोसाइट्स का, ठीक है। खैर, तो हमारे पास दो तरह के गोनेड्स हैं, मेल गैमेट जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम या एग्स कहते हैं, और ये दोनों तरह के जो सेल्स हैं ये बनते जिन सेल्स से हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। अब हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हैं, स्पर्म का बनना जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के अंदर होता है, और ओवम का बनना कहलाता है ऊजेनेसिस, इसे ऊजेनेसिस भी पढ़ते हैं, बट खैर इतनी आवाज़ें नहीं निकाल रहा मैं, तो खाली ऊजेनेसिस। अच्छा, गैमेट्स जो हैं ये ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, यानी हैप्लॉइड होने का मतलब इनके अंदर आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहीं पर बता दूं वो याद रख लें, एनिमल्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। एनिमल्स के अंदर जब गैमेट्स बनेंगे तो वो मियोसिस से बनेंगे, यानी आप देखेंगे कि एक डिप्लॉइड सेल होगा और उससे बन रहे होंगे गैमेट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो आप लगा के आ जाएं कि गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हमेशा माइटोसिस होता है, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर जो है वो माइटोसिस होता है, और एनिमल के अंदर जो है वो मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर जब मियोसिस होता है तो उसके नतीजे में स्पोर्स बनते हैं, और जो गैमेट्स बनते हैं उस वक्त सिर्फ माइटोसिस होता है। या आपने जब लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो उसके अंदर देखा होगा। खैर, अब आ जाते हैं उस प्रोसेस के ऊपर जो मेल में होगा, जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, पहले मैं ये समझा दूँ, मैंने वैसे मियोसिस डिटेल में एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख लें। तो मियोसिस के अंदर होता क्या है, हमारे पास अगर एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसानों का सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस के अंदर पहली बात तो एक सेल जब डिवाइड होता है तो चार सेल बनते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो उन चारों के अंदर हाफ हाफ जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर अगर 46 हैं तो जो चार सेल बनेंगे उन चारों सेल के अंदर उस पेरेंट सेल का आधा जाएगा, 46 का आधा जो है वो 23 होता है, तो हर सेल में 23 जाएगा। अब ये जो मियोसिस होता है ये दो स्टेप्स के अंदर होता है, एक होता है मियोसिस वन। इस मियोसिस वन के नतीजे में पहले जब ये सेल डिवाइड होता है तो दो सेल बनते हैं, और इसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, तो ये कहलाता है मियोसिस वन। मियोसिस वन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 46 था और अब 23 हो गया। उसके बाद होता है मियोसिस टू। अब ये वाला सेल डिवाइड होगा दो में और ये वाला सेल भी डिवाइड होगा दो में, तो ये स्टेप कहलाता है मियोसिस टू, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता, तो इसे हम सिंपल माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही हो रहा है जैसे माइटोसिस होता है, माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। बट खैर, तो ये मियोसिस के दो स्टेप्स हैं। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होगा, मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ डायग्राम के अंदर। देखें, मेल के अंदर मैंने आपको बताया जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसे गोनेड कहा गया, उसका नाम है टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल, देखें, जर्म सेल में ना और गैमेट में फ़र्क है। जर्म सेल होता है डिप्लॉइड, और इससे जो बनने वाले गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब पूछा जाता है कि भाई जर्म सेल में कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, तो जर्म सेल के अंदर दोनों डिवीजन्स हो सकती हैं। जर्म सेल माइटोसिस भी करते हैं और जर्म सेल मियोसिस भी कर सकते हैं। जर्म सेल जब गैमेट्स बनाएंगे ना तब वो करेंगे मियोसिस, और जर्म सेल्स जब डिवाइड होकर अपने जैसे बनाएंगे, अपने जैसे और जर्म सेल्स बनाएंगे, तो वो करते हैं माइटोसिस।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोसिस कौन से सेल में होता है, तो माइटोसिस दोनों तरह के सेल में होता है, सोमैटिक में भी यानी जिनसे आपकी बॉडी बनी हुई है, और जर्म सेल के अंदर भी यानी जिनका काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मियोसिस किस में होता है, तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल के अंदर होता है। खैर, तो इन जर्म सेल का नाम मेल के अंदर जो होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये एक सेल जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये चार क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये चार क्रोमोसोम है। अच्छा, अगर ये इंसान का भी हम सपोज करें ना, तो इंसान के अंदर तो आप कहेंगे 46 होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो आप 46 नहीं बना सकते एक सेल के अंदर। अगर आप 46 बनाने बैठेंगे तो आपको बड़ा सा सेल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, दो ले लेते हैं या चार ले लेते हैं या आठ ले लेते हैं। तो ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये डिप्लॉइड है। अब देखिए होता क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जर्म सेल जो है ये अपना नंबर भी इंक्रीज करते रहते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो आप देखें एक से दो बन रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी डिवीजन है, ये माइटोसिस है, सिर्फ एक से दो बन रहे हैं। इससे पता नहीं लगाया मैंने पता कैसे लगाया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें, चार क्रोमोसोम यहाँ हैं, चार क्रोमोसोम यहाँ हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया। फिर ये वाला सेल दोबारा डिवाइड हुआ, इससे दूसरे दो बने, यहाँ पर भी क्या हुआ है, माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। तो देखें जर्म सेल माइटोसिस भी करते हैं और जर्म सेल मियोसिस भी करते हैं, ठीक है जी। तो माइटोसिस क्यों कर रही है, ताकि अपना नंबर इंक्रीज कर सकें, ताकि टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल है वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, अब होता क्या है, इनमें से कुछ सेल जो है ना वो ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होकर बड़े हो जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हुई और ग्रोथ होने के बाद ये सेल अब बड़ा हो गया। जब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये बड़ा हो जाता है, तो हम इसे नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। देखिए बड़ा होने का मतलब है अब ये डिवीज़न के लिए तैयार है। कैसे पता मुझे ये डिवीज़न के लिए तैयार है, तो आप इसकी क्रोमोसोम की हालत देखें। पहले क्रोमोसोम की हालत ये थी, अब हर क्रोमोसोम ने अपनी क्या बना ली है, हर क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली है। तो आपको चार क्रोमोसोम जो नज़र आएंगे वो इस हालत में नज़र आएंगे कि हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज़ हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो ये वाला सेल जो है अब ये तैयार है डिवीज़न के लिए। तो जो सेल तैयार हो गया है ग्रोथ के बाद डिवीज़न के लिए, वो कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया। इन सेल्स के अंदर भी चार क्रोमोसोम्स थे, इस सेल के अंदर भी चार क्रोमोसोम है। जी हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक क्रोमोसोम ही कहते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये वाला स्ट्रक्चर भी एक क्रोमोसोम ही है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती तो चैप्टर 6 की पहली वीडियो जाकर देखें। अच्छा भाई, अब देखें अगर यहाँ तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया, इसका मतलब अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल होता है जो मियोसिस करता है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये सेल डिवाइड हो रहा है और दो सेल बन रहे हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर चार क्रोमोसोम्स हैं, इस सेल के अंदर दो आए और इस सेल के अंदर भी दो आए, यानी ये वाली डिवीजन जो हुई है ये कहलाएगी मियोसिस वन। ये पूरा प्रोसेस मियोसिस ही होगा आगे भी, लेकिन ये वाली डिवीजन को हम क्या कहेंगे, ये मियोसिस वन हुआ है। इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, ये करता है मियोसिस और ये करता है मियोसिस वन, और उसके नतीजे में जो दो सेल बनते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और अब की बार जो मियोसिस का स्टेप होगा वो कहलाएगा मियोसिस टू। अब इस मियोसिस टू के नतीजे में इस सेल ने डिवाइड किया तो दो सेल बने, और इस सेल ने भी डिवाइड किया तो दो सेल बने। तो मियोसिस के अंदर होता क्या है, एक सेल डिवाइड करता है तो टोटल चार सेल बनते हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो इस सेल के अंदर दो क्रोमोसोम है, इसमें भी दो क्रोमोसोम गए और इसमें भी दो क्रोमोसोम गए, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया। यही काम होता है मियोसिस टू के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम्स थे, इसके अंदर भी दो गए और इसके अंदर भी दो गए, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, ये मियोसिस टू के अंदर होता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मियोसिस का था। पहली डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस वन, दूसरी डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस टू। पहली डिवीजन के नतीजे में बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और दूसरी डिवीजन के नतीजे में जो सेल बनते हैं वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। अभी ये स्पर्म्स नहीं बने, क्योंकि स्पर्म का शेप डिफरेंट होता है, स्पर्मेटिड का शेप डिफरेंट है। फिर ये स्पर्मेटिड आगे जाकर मेच्योर होते हैं,
ट्रांसफॉर्म होते हैं इस शेप के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं स्पर्म्स का। तो देखें, स्पर्म के अंदर भी दो क्रोमोसोम है, तो ओरिजिनल जो सेल था उसमें चार क्रोमोसोम्स थे, और जो स्पर्म बने हैं उसके अंदर दो दो क्रोमोसोम आए हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो चुका है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है। दिस इज कॉल्ड मियोसिस, और ये पूरा जो प्रोसेस आपने देखा है दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरीके से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड जब करता है तो उसके नतीजे में चार स्पर्म्स बनते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि फीमेल के अंदर ये जब प्रोसेस होगा तो ये नंबर आपको डिफरेंट नज़र आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं किससे, जर्म सेल से। ये जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट है, मेल के स्ट्रक्चर में, मेल के गोनेड में, जिसे टेस्टिस कहते हैं। मेल के टेस्टिस में जो जर्म सेल होते हैं वो डिवाइड होकर बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एक ही बात है, यही जर्म सेल है, यही स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये वाला सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये ग्रो होते हैं और बड़ा होकर बनाता है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक कोई डिवीजन कहाँ चला गया, अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक कोई डिवीजन नहीं हुई है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है कैसे, मियोटिकली, यानी मियोसिस करता है, तो उससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। और ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस वन हुआ है। उसके बाद ये दोनों डिवाइड करते हैं तो चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं, चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, और ये चारों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ऑल्दो इनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो गए हैं पेरेंट सेल से, लेकिन ये क्रोमोसोम चेंज होते हैं, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके नतीजे में डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं। तो लोग समझते हैं कि किसी मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, जबकि वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हुई हुई होती हैं, तो स्पर्म्स जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अच्छा भाई, ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये आगे जाकर डेवलप हो जाएंगे किसमें, स्पर्म के अंदर। ये पूरा प्रोसेस जो है स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म के बनने तक का जो प्रोसेस है ये लेता है अबाउट 10 वीक्स। 10 वीक्स का मतलब हो गया 2.5 मंथ्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऊजेनेसिस के ऊपर, जिसे ऊजेनेसिस भी पढ़ते। अच्छा भाई, तो इसे भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये फीमेल की ओवरी के अंदर हमारे पास सेल्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे ऊगोनिया, ठीक है। ये ऊगोनिया, ये जर्म सेल्स हो गए। अब ये ऊगोनिया जो है ये पहले डिवाइड करेंगे माइटोसिस के जरिए, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको सेम नज़र आ रहा है, चार क्रोमोसोम इसमें हैं, चार क्रोमोसोम इसमें हैं, चार क्रोमोसोम इसमें हैं, चार क्रोमोसोम इसमें हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपना नंबर सेम रख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, जिस तरह स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहला रहा था वो सेल जो ग्रोथ के बाद बना था, ये कहलाता है प्राइमरी ऊसाइट। तो ये प्राइमरी ऊसाइट जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी चार क्रोमोसोम हमें नज़र आ रहे हैं। तो चार क्रोमोसोम यहाँ थे, चार क्रोमोसोम यहाँ हैं। फ़र्क यह है कि यहाँ के क्रोमोसोम की हालत ऐसी थी और यहाँ के क्रोमोसोम की हालत ऐसी है, क्योंकि हर क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली है और उसे अपने साथ अटैच कर लिया है। तो अब ये सेल जो है ना, ये डिवीजन के लिए तैयार है। कौन सी डिवीजन के लिए, मियोसिस के लिए। अब ये प्राइमरी ऊसाइट जो है ना, अब ये डिवाइड करता है और ये पहली डिवीजन जो है इसके नतीजे में दो सेल बनते हैं। ये जो दो सेल आपको नज़र आ रहे हैं, फ़र्क ये है कि स्पर्म जब बन रहे थे तो वो दोनों सेल बराबर थे, ओवम जब बनता है तो ये दो सेल अनइक्वल होते हैं। एक सेल छोटा होता है जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, इसके अंदर दो क्रोमोसोम गए, और एक सेल बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया, इसे हम कहेंगे मियोसिस वन। तो मियोसिस वन के नतीजे में दो सेल बन गए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी हाफ हो चुका है, ठीक है जी। अब ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे दोबारा, ये वाला सेल डिवाइड करेगा दो सेल बनाएगा, और ये वाला सेल डिवाइड करेगा दो सेल बनाएगा। जब ये छोटा वाला सेल डिवाइड करेगा तो अपने ही जैसे दो छोटे सेल बनाएगा, और ये वाला बड़ा वाला सेल जब डिवाइड करेगा तो अगेन एक सेल छोटा बनेगा और एक सेल बड़ा बनेगा। ये जो छोटे वाले तीनों सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर बॉडीज़। ये नॉन फंक्शनल होती हैं, इनका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, और ये डीजनरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये जो बड़ा वाला सेल बनता है फाइनली, इसे हम कहते हैं मैच्योर ओवम। अब अगर आप गौर करें तो मियोसिस टू के नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया, बस हालत बदली है क्रोमोसोम की। दो क्रोमोसोम थे, इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम थे, इसके अंदर भी दो, और इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम है। तो ये वाली डिवीजन कहलाती है मियोसिस टू। तो फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जब एक प्राइमरी स्पर्मेटो
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड कर रहा था तो चार स्पर्मेटेड या चार स्पर्म्स बन रहे थे, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो एक प्राइमरी ओसाइट जब डिवाइड करता है तो चार नहीं बल्कि एक मैच्योर ओवम बनता है और तीन पोलर बॉडीज बनती हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता और ये डीजनरेट हो जाते हैं। बनती क्यों है? ताकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना वो इसके अंदर डबल ट्रिपल ना हो जाए। अगर पोलर बॉडी बनेगी नहीं तो ये जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा, इनसे जान कैसे छुड़ाई जाएगी? तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करने के लिए ये छोटे से सेल बनते हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जाता है और फिर ये डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा एक डिफरेंस और, पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें ओवा बनते हैं, एग्स बनते हैं जर्म सेल्स से, ठीक है, जो कि फीमेल के गोनेट्स में मौजूद होते हैं, ओवरीज, फीमेल के गोनेट्स को ओवरी कहते हैं। तो जर्म सेल डिवाइड करके बनाते हैं ओगोनिया, ये सेल्स हैं हमारे पास ओगोनिया। अच्छा, ओगोनिया जो है वो डेवलप होते हैं ग्रो करके प्राइमरी ओसाइट में, अभी तक डिवीजन नहीं हुई है। प्राइमरी ओसाइट जो है ये पहली मियोटिक डिवीजन करता है और दो अनइक्वल सेल बनाता है, एक लार्जर जिसे आप सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, एक स्मॉलर जिसे आप पोलर बॉडी कहते हैं। दोनों जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं जिससे एक लार्ज सेल बनता है हैप्लॉइड सेल जिसे ओवम या एग कहते हैं, और तीन हैप्लॉइड पोलर बॉडीज बनती हैं जो स्मॉल रह जाती हैं, नॉन फंक्शन और डीजनरेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये मंथ लेता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 2.5 मंथ्स ले रहा था यानी 10 वीक्स ले रहा था, ये प्रोसेस जो है ये मंथ लेता है यानी 4 वीक्स लेता है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके नतीजे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हर मंथ जो है वो एक ओवम बनकर रिलीज होता है। तो ये है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस, मेल के अंदर हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, चार स्पर्म बन रहे थे, और फीमेल के अंदर होता है ओजेनेसिस जिसके अंदर एक प्राइमरी ओसाइट से एक ओवम बनता है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की और मेटिंग की।